हेलो गाइस, इसमें सौरभ मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने नर्सिंग ANM JNM एंड BSc नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक के लिए अप्लाई किए थे, और जैसे कि आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 13th को, तो इसके रिगार्डिंग एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। आप लोग जो वेट कर रहे थे कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो BSc नर्सिंग वालों के लिए एंड ANM JNM वालों के लिए, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको JCC का वेबसाइट आना होगा, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। आने के बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक कर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCCB 2023, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप इस पर आप क्लिक करोगे, करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ANM JNM वालों के लिए, ठीक है, जो नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो है ANM JNM वालों के लिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पर आपको क्लिक हेयर में क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक हेयर में जब आप क्लिक करोगे, करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दिया कि एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिंग में क्लिक करना होगा, ठीक है। एप्लीकेंट लॉगिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने जब अपने अप्लाई किया था आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आया होगा, है ना। वो आईडी और पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपको डालना होगा, और साथ साथ जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद जब आप लॉगिंग में क्लिक करोगे, करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको एडमिट कार्ड प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा जब आप नीचे तरफ स्क्रॉल करोगे, ठीक है। वहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स दिखेगा एडमिट कार्ड प्रिंट का, ठीक है। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका सेंटर डेट, मतलब कहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा, डेट टाइमिंग सारा चीज़ मेंशन रहेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा, ध्यान से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिएगा, और इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उसमें बोला गया, ठीक है, कि कैसे फॉलो करना है क्या नहीं, ठीक है। वैसे ही BSc नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक वालों का भी सेम प्रोसेस है, आपको उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा बेसिक पोस्ट बेसिक वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर में क्लिक करना होगा, करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिंग में क्लिक करना होगा, ठीक है। करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जाइए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और देख लीजिए कि कौन सा डेट में क्या कब आपका एग्ज़ाम दिया है, कहाँ आपका सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।